नमस्कार, जय श्री महाकाल। आरसोनी न्यूज दर्शकों को पिछले वीडियो आपने देखा है, ज्योतिष को लेकर हमने बताया, उससे भी पहले मैंने अपने बारे में बताया और आज मेरी विषय है भगवान का पूजा क्यों करना चाहिए, क्यों कब करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, इसका क्या उपाय है, इसको करने से क्या फ़ायदा है क्या। तो हमारे मन में ऐसा आता है अध्यात्म से आपकी मन की शांति मिलती है। किसी भी मंदिर जाएं या घर में कथा करें, घर में कथा करते हैं तो आपके घर की निगेटिविटियाँ जो होती है वो शांत होता है, आप खुशहाल रहते हैं, आपके घर में किचकिच नहीं होता है। और जरा सारे ग्रह जितने भी हम ज्योतिष से हैं, इसलिए आपको पता होगा मैं पिछले वीडियो में ज्योतिष के बारे में बताया, सारे ग्रह जब ज्योतिष से चलते हैं समक्ष को लेकर, तो जब हम संकल्प ब्राह्मण कराता है तो कहता है जब संकल्प में ग्रह शेषु यथा नाम, तो जहाँ जहाँ जिस जिस ग्रह बैठा हो वह हमें सुख प्रदान करें। किसके सानिध्य में? भगवान विष्णु के सानिध्य में। तो कथा इसलिए है। कथा हमारे अगर हमसे पूछें तो हमारा एक मुहिम है जो हम हर सब को व्यक्ति कहते हैं कि आप साल में एक कथा करें। आपके घर में अगर संतान है, वो संतान लड़की हो या लड़का, अगर उसका जो साल में बर्थडे आता है, जिसको आप बर्थडे मनाते हैं बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पर वो एक साल में एक बार भगवान तीन बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, आप बड़े बच्चे के लिए एक बार साल में सत्यनारायण कथा सुन करें, उसी दिन करें। दिन ना देखें कि उस दिन अच्छा है या ख़राब है, आप अपना दिन को उसी दिन में कथा के रूप में सुने। ऐसा उसमें लिखा है, कथा को आप अगर सुने होंगे तो कथा में जितने भी धर्म ग्रंथ बने हैं, आपका भागवत है, रामायण है, या जितने भी हैं आपके ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ का नाम से हैं, मगर सबसे पहला ग्रंथ अगर हम कहें कि सत्यनारायण कथा है तो इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि संशय इसलिए नहीं है, सत्यनारायण कथा में कहा गया है सबसे प्रथम भगवान सत्यनारायण का पूजा एक ब्राह्मण ने किया था, और ब्राह्मण को जब प्रसन्नता हुई, भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान के पास आए, बोले मैं आपकी कथा से प्रसन्न हूँ, बोलो। उसका नाम था सतानंद, आप कथा में सुने होंगे सतानंद। और सतानंद से बोले थे, सतानंद ने एक ब्राह्मण बोला मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, मैं अपना ब्राह्मण का जो जाति है वो ना छोड़ूंगा, मगर मैं आपके साथ खेलना और कूदना चाहता हूँ। भगवान कहते तद्वम वस्तु, द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा, आप सुदामा बनना। आप हम कृष्ण और आप सुदामा का वर्णन आप सुने होंगे, ये भागवत में भी है, कृष्ण पुराण में भी, कृष्ण की आपके जो कृष्ण का सीरीज है उसमें भी लोग सुने होंगे, ऐसा वर्णन है। तो इससे पहले इसका मतलब कथा आई थी सत्यनारायण कथा, इसका मतलब यही है, आप सबको समझने की है उसमें। उसके बाद दूसरा कथा भील किया, जिसने एक लकड़हारा आया था, उसका नाम भील हम सब कहते हैं भील, तो लकड़हारा ने कथा सुना एक ब्राह्मण के घर में, फिर उस ब्राह्मण लकड़हारा को अपने मन में निश्चय किया, वह भी सत्यनारायण कथा किया। उसकी कथा करने से प्रसन्न हुआ भगवान, आए और उससे बोले, उन्होंने भी कहा मैं भील हूँ, मैं लकड़हारा हूँ, मैं लकड़हारा ही रहूँगा, पर आपके साथ मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूँ, एक ब्राह्मण कह रहा खेलना और कूदना चाहता हूँ, और एक वो कह रहे हैं पढ़ना और लिखना चाह रहा हूँ भील। तो बोले तद्वम वस्तु, त्रेता में मैं राम बनूँगा, आप निषाद राजगुह बनना। तो यह आप रामायण से सुने होंगे, पर इससे पहले तो वर्णन कर चुके हैं सत्यनारायण कथा में भगवान ने। तो उन्होंने फिर त्रेता में भगवान राम बने और निषाद राजगुरु बने, और राम को राम राम रटकर भगवान वैकुंठ लोक को भेजे। उसके बाद भद्रशिला नदी के तट पर एक राजा और रानी पूजा किया करते थे, उसकी पूजा को देखकर प्रसन्न हुए भगवान, तो उनके पास आए, बोले मैं राजा हूँ, मैं राजा रहूँ, मैं जाति का छत्री हूँ, छत्री रहूँ, पर मेरी रानी कमल जैसी प्रमुग्ध वाली पत्नी है, ये पत्नी भी मेरी ऐसे ही सुंदर रहे, पर मुझे आप मेरा पुत्र बन जाओ। भगवान बोले तद्वम वस्तु, अगले जन्म में मैं त्रेता में राम बनूंगा और आप मेरे पिता दशरथ बनिएगा, और उनकी प्रमुग्ध जैसी पत्नी जिनके भगवान राम जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं। तो ऐसा वर्णन है, यह भी वर्णन दिखाया जा रहा है कि सत्यनारायण कथा सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि सबसे छोटा में आप घर में कराएंगे, सबसे छोटा उपाय है। उसके बाद की कथा आप जानते हैं कि लीलावती और कालावती के पति एक पुत्र के कामना से किया था और पुत्री हुई, जिसके कारण उन्होंने विवाह में क्या क्या विलंब हुआ, क्या क्या कारण हुआ, सब कथा जानते हैं कालावती और लीलावती का। पर भगवान वहाँ पर नहीं गए, उससे पहले दूसरे एक
यादव लोग, ग्वाला लोग ने भगवान सत्यनारायण का कथा बट वृक्ष के नीचे जंगल में ग्वाला सब गाय चला रहे थे तब वहाँ कर रहे थे भगवान सत्यनारायण की कथा, और भगवान वहाँ गए और पूछे, मैं तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो ग्वाला लोग जो है वो हिंदी में कथा सुनते थे और संस्कृत में कथा है, संस्कृत में कथा देव भाषा है, देवता प्रसन्न होते हैं, पर सबसे पहला कथा अब अहीर ने हिंदी में सुना था, और वो सुना ही नहीं था, प्लस उन्होंने अपने ढोल सब वगैरह लेकर, झाल मनीरा लेकर उन्होंने बजा बजा कर भगवान को भजन की, इससे खुश भी किया था, जिसके कारण भगवान प्रसन्न हुए और भगवान गए। भगवान बोले कि तुम्हारे पूजा से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या मन मांगते हो? उन्होंने बोला, प्रभु मैं ग्वाला हूँ, ग्वाला रहूँ, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करूँ, बस आप भी आ जाओ मेरे साथ करो। बोला, तद्वम वस्तु, द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा, और आपने जानते ही आप सब यादव वंश में जाकर अपना रासलीला तक रचा दिए। वो तो कीर्तन किया था भगवान को मनाने के लिए, उन्होंने रासलीला तक वहाँ रचाए हैं, गोवर्धन उंगली पर उठा कर दिखाए हैं, सबको अपनी नृत्य कला से सबको मोहित किए हैं। उसके बाद भगवान वहाँ से निकले तो कालावती लीलावती के पास भी गए हैं, पर उनको जाकर भगवान वरदान दिए हैं कि अगले जन्म में मूर्धज नाम का राजा बनना, और अपने पुत्र को आरा से काट कर गर्दन को मुझे दे देना, तब तुम वैकुंठ लोक के जाओगे। और द्वापर में भगवान कृष्ण हुए और मूर्धज नाम का राजा हुआ। उन्होंने गर्दन काट कर भगवान कृष्ण को ने ले लिया हाथ में, और उन्होंने दान दिया और वैकुंठ लोक को गया, ऐसा वर्णन है। उसके बाद एक और हैं संत जिन्होंने पूरी प्रसाद को त्यागा था, जिसके कारण उन्होंने फिर सत्यनारायण कथा का प्रसाद लिया, तो उनके 100 पुत्र थे सारे मारे गए थे, फिर उन्होंने पुत्र हुआ, युक्त हुए, धन धान से परिपूर्ण हुए, और आगे जन्म में वह पूरे संसार में इसका प्रचार और प्रसार किया सत्यनारायण कथा का। तो आप समझ सकते हैं कि सत्यनारायण कथा जो है इसलिए महत्वपूर्ण है कि सब ग्रंथों का सार है, छोटा सा में सार है, क्षणिक पैसा से, क्षणिक दुख से आप सारे दुखी हैं तो आप दुख दूर हो जाएगी। अगर दुखी हैं क्षणिक स्थिति परिस्थिति, क्योंकि घर में बहुत तरह की परेशानियाँ होती है, उससे निजात अगर पाना हो तो सत्यनारायण कथा जरूर सुने, किसी भी ब्राह्मण से सुने, ब्राह्मण से जरूर उस कथा को सुने और संकल्प लें, मन में संकल्प करें, उससे आपके घर में धन धान की वृद्धि जरूर होगी, यश की प्राप्ति होती। कैदी अगर जेल में हो तो छूट जावे, इसमें कोई भी आशंका नहीं है, ना संदेह है, ये भगवान कथा में वर्णित किए हैं, ये भगवान स्वयं विष्णु के मुख से द्वारा ये कथा है, इसीलिए इस कथा को हम कहते हैं कि आप घर में जरूर करें, कथा करेंगे उससे आपकी घर की शांति भी मिलेगी, और ऐसे आपकी मन में जो है बच्चे हैं, बच्चे को नया संस्करण मिलेगा, अच्छा उसकी प्रवृत्ति होगी, इसीलिए आप कहेंगे कि आप हर संक्रांति को हो, पूर्णिमा को हो, अमावस्या को हो, अगर यह तीनों नहीं हो सकता तो जिस दिन आपके घर में किसी का बर्थडे, बड़ा वाला ज्येष्ठ पुत्रों का या पुत्री का, उसके दिन जरूर अवश्य करें, मेरा यही आप सबसे आशा है। नमस्कार।